नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपकी लाइफ बदल देगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को देंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि ये आप अपनी लाइफ बदल सके, अपने पैसों को डबल कर सके, दोगुने से चौगुना कर सके। दोस्तों आपने क्या कभी सोचा है कि अमीर लोग ही अमीर क्यों होते चले जाते हैं, या जिनके पास पैसा होता है वो अपने पैसों को डबल से दोगुना, दोगुना से चौगुना कैसे कर लेता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अमीर लोगों को काम करने की भी जरूरत नहीं होती लेकिन उनका पैसा ही बढ़ाता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। दोस्तों ये तरीके बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये गरीब लोग या आम लोगों तक ये तरीके नहीं पहुँच पाते या फिर उन लोगों को कोई बताता नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको एक हिंट दे दूं, एक ये जानकारी दे दूं कि किस तरह से आप भी घर बैठे अपने पैसे को डबल से ज़्यादा या दुगना चौगुना बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है, आपका खुद का अपना दिमाग लगाना है और आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए बस। दोस्तों ये जो तरीका है वो है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप घर बैठे अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने हद तक आपका पैसा बढ़ जाएगा अगर आप सिर्फ एक छोटा सा ध्यान अपना लगा के उसके अंदर काम कर लेंगे तो। दोस्तों देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि मार्केट डाउन हो रही है, या आप कई बार सुनते भी होंगे कि मार्केट गिर गई, मार्केट उठ गई, न्यूज़ में ऐसा आता है, न्यूज़पेपर्स में ऐसा आता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट डाउन हो गई तो उस टाइम क्या होता है, मार्केट डाउन का मतलब होता है कि शेयर गिर गए हैं। जब शेयर गिर जाते हैं तो हमें वो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई एक चीज़ का रेट है 10 रुपये, अगर उसका रेट गिर गया है 5 रुपये तो हम उसको ख़रीदना है, मतलब 5 रुपये में उसको ले लीजिए। अब वो 10 रुपये का आपको ये ध्यान रखना है कि वो आगे भी चल के बढ़ सकता है या नहीं। जब वो बढ़ जाए उसको बेच दीजिए। हमने 5 का ख़रीदा, 8 का बेच दिया, 4 का ख़रीदा, 6 का बेच दिया, तो इसी तरह से वो पैसे हमारे बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पर आपको कोई मार्केट में जाके नहीं बेचना होता, अपने फ़ोन पर ही आप ये घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है लेकिन आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देखिए अभी मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट डाउन है तो मान लीजिए मैं कोई भी शेयर लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए मैं किसी बैंक का शेयर लिख देता हूँ, बंधन बैंक। तो मैंने बंधन बैंक यहाँ पर शेयर मैंने गूगल पे जाकर लिखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंधन बैंक का जो शेयर का रेट है, यानी कि एक शेयर 192 रुपये का है, 192 रुपये का एक शेयर है। यानी कि अगर आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपको 192 रुपये खर्च अपने करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए, अब इसके पाँच दिन में इस शेयर का क्या रेट था, पिछले 5 दिनों में, पिछले 1 महीने में क्या रेट थे, 6 महीनों में क्या रेट थे, उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इस शेयर के रेट क्या रहे थे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पिछले 5 सालों में इस शेयर के रेट यहाँ पर कर दिए हैं। तो ये इसके देखिए पिछले कुछ समय से इसके शेयर जो है वो 500 रुपये से नीचे नहीं हुए, या लगभग 500 रुपये तो हमेशा ही रहते ही हैं। लेकिन आज के डेट में ये शेयर कितने का मुझे मिल रहा है, 192 रुपये का। तो यानी कि अभी मार्केट डाउन है और ये मुझे 192 रुपये का मिल रहा है, और ये 500 रुपये तो इसका नॉर्मल प्राइस रहता ही है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए 200 रुपये में भी आज की डेट में ख़रीद लेता हूँ तो ये 1-2 महीने में ही दोबारा से 500 रुपये या फिर 600 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे पैसा जो मैं लगाऊंगा वो 1 महीने के अंदर ही डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देने वाली बात होती है। चलिए मान लीजिए अब मैं यहाँ पे कोई एक दूसरा कोई डाल लेता हूँ, तो जैसे मैंने लिख दिया, चलिए इंडसइंड बैंक लिख दिया, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट देने के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से शेयर ढूंढ सकते हैं या किस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, हम चलिए यहाँ पर इंडसइंड बैंक में भी हम यहाँ पर डाल के देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इसका क्या मतलब प्रोग्रेस रही है। तो आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक का जो लगभग जो इसका है वो 1000 रुपये तो रहता ही है, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा इस चार्ट के अंदर कि लगभग 1000 रुपये का तो इसका रेट रहता ही है, लेकिन आज की डेट में ये इसका रेट बहुत नीचे है। नीचे कितना है, 394 रुपये। कहाँ ये शेयर 1000 रुपये का हमेशा ही रहता है, कहाँ ये अभी 394 लगभग 400 रुपये का मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं इसको 400 रुपये में आज ख़रीद लेता हूँ तो यकीन मानिए 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये दोबारा 1000 रुपये हो जाएगा, या 1000 रुपये से 2000 रुपये तक भी जा सकता है। और 1000 रुपये तो कम से कम ये रहता ही है, जैसे कि मैंने आपको इस चार्ट के अंदर बताया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको अभी 400 रुपये में ख़रीद लेता हूँ तो ये 1-2 महीने के अंदर ही 1000 रुपये या 1500 रुपये में मेरे को यहाँ पर इसका रेट हो जाएगा। यानी कि मैं 3 गुना 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा अपना यहाँ पर कमा सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने इसमें एक शेयर ख़रीद लिया 400 रुपये का, तो मुझे उसी शेयर के 800 रुपये मिल जाएंगे, 400 के 800 मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शेयर लगातार अच्छा बना रहता है, कौन सा शेयर गिर रहा है, कौन सा शेयर खरीद सकते हैं, किस शेयर को आप कब बेचना है। बस आपको इसमें लालच नहीं करना। दोस्तों बहुत ही अच्छा ये तरीका है पैसे कमाने का, घर बैठे पैसे
दुगने करने का और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बढ़ाने का बहुत ही सिंपल तरीका। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं, आप यूट्यूब पर देखिए, सीखिए। उसके अंदर आपको शेयर मार्केट में कैसा पैसे लगाएं, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे क्या करें, सब कुछ अपने फ़ोन पर ही आप कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी टाइम दे दिया तो आपकी चांदी हो जाएगी, यानी कि आपको बड़ा आदमी या पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारे बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।